देखिए बैक मांझा, ये आई सर पीछे को मांझा धकेल कर सारा गन्ना फैक्ट्री की माल में डाल देता है, इसमें बैक मांझा लगा है। ये देखिए किस तरह का मांझा है, इसमें अब ये ट्रोली लगा दी गई, इसके बाद में फिर हमारा नंबर आ जाएगा। इधर आप 500 पीछे ये कौन सा मॉडल है आपका? ये है मेरा 73 मॉडल। 75 73 73 ये 2011 है जी, 2511 है ये, है 2511 है। तो आपने कब लिया था ये? यो हमने 73 में लिया था। बाप रे, नया चल रहा? हाँ जी, जब से। तो कैसा काम कर रहा? बहुत बढ़िया कर रहा, गन्ने का दल्ला जब। अच्छा, सेल्फ स्टार्ट है बिल्कुल? हाँ, एक बार सेल्फ मार के दिखाऊँ। अरे वाह, क्या शानदार आवाज़ है, बंद कर दो। इसमें देखिए हवा भरने का भी कंप्रेसर दिया है। अच्छा, ये हवा का कंप्रेसर दिया आज में? अब भी चालू है, खराब हो गया होगा जी? चालू है भी? चालू है भाई, वाह। लीड भी नहीं है जी, वैसे सब ठीक है। किसान भाइयों देखिए, ओरिजिनल ट्रैक्टर है बिल्कुल, पीछे से ओरिजिनल है। कोई भी इसमें डबल हिच आता था पहले, एक नीचे आता था और एक ऊपर। आज भी ये ओरिजिनल ट्रैक्टर है। ये पिन लगाने का स्थान है इसमें, इसका ये ओरिजिनल मीटर दिया है इसमें। हमारे दोरवाला शुगर फैक्ट्री में कोई लाइन नहीं तोड़ता, देखिए सब लाइन में खड़े हैं ईमानदारी के किसान। के अधिकारी लोग खड़े हैं गन्ना चेक करने के लिए। सबसे बढ़िया, सबसे साफ गन्ना हमारे दोरवाला फैक्ट्री में आता है। सबसे साफ गन्ना हमारी ट्रोली में है। थोड़ा गंदा है। ये कौन सा मॉडल है आपका? ये 1035 2001 है। 2001 तो मैंने नवा लिया था, कुछ चला हुआ है? नवा लिया था, कुछ चला हुआ? नहीं लिया। बढ़िया काम कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं? बेचने का इरादा? ना, बेचते हो तो ग्राहक मेरे पास। अच्छा, मतलब अच्छा वजन इसमें 7 के मुकाबले कुछ ज़्यादा है या कुछ कैसा है? मतलब 17 ज़्यादा वजन है? 17 के आसपास? 16.5 16.5, मतलब बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है ना? तो किसान भाई हो देखिए, मैसी को तो कोई यहाँ बेचता ही नहीं बिल्कुल भी। हर आदमी यहाँ मैसी का शौकीन है। हमने भी शौक में दूसरा मैसी ले लिया, चलाने में बड़ा मज़ा आता है। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना। नमस्कार।